यहां पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर शोभा ओझा इस वक्त आपको दिखाई दे रही है मीडिया से बातचीत करने के लिए, सुन लेते हैं वो क्या कर रही है, उसके बाद आपको बाकी का समीकरण। सर आईटी शोभा मान करो, अब राहत भरी खबर है। जनता जिसको चुनती है उसी की सरकार नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। हम देखते आ रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, हरियाणा हो, गोवा हो, तमाम प्रदेशों में हम देख चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी। जब से मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा है और विधानसभा में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने जो युद्ध माफिया उनके खिलाफ छेड़ रखा है उससे ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि माफिया राज बीजेपी के नेताओं द्वारा पनपाया राज था और जब इन पे लगाम कसने की बात आई तो ये डर के मारे इन्होंने हमारे कुछ विधायकों को अगवा किया है। पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे कि वो डस से मस नहीं होंगे। रात में सबने घटनाक्रम देखा, किस तरह से बीएसपी की विधायिका रामबाई को जबरदस्ती वो होटल में रोकने की कोशिश कर रहे थे, सिविल ड्रेस में पुलिस थी। तो ये बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जो एन केन प्रकार हर एजेंसी का दुरुपयोग करके, चाहे पुलिस हो, ईडी हो, आईटी हो, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग करके दबाव बनाती है। पर अगर इनमें कॉन्फिडेंस होता तो फ्लोर टेस्ट ये कराते, और पहले भी हमने हर बार कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा ले, जब चाहे फ्लोर टेस्ट करा ले, हम अपना बहुमत सिद्ध करने को तैयार हैं। पर ये क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं है, ये एक फासिस्ट सरकार केंद्र में है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, इसलिए ये अगवा करके कभी विधायकों को लिखा छुपी करके कभी हरियाणा ले जाते हैं तो कभी बैंगलोर ले जाते हैं और खरीद फरोश और दबाव डालकर अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। पर इनको साफ शब्दों में हम समझाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं है, पहले भी ऐसे प्रयास कर चुके अभी कुछ इनके पास अभी भी हैं, पर ज्यादा विधायक वापस आ चुके हैं और आपको अभी कुछ देर में जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा शाम तक पूरा खुलासा हो जाएगा इस पूरे।